बद्दे एनआर एरोमा कंपनी में आगजनी की घटना के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई है। आपको बता दें कि आग में अभी तक 5 वर्कर की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है और तकरीबन 30 वर्कर घायल हुए हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 5 वर्कर लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसी उपलक्ष में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में उद्योग मंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उद्योगों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्योग मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जिस कंपनी में आग लगी थी उसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल की रजिस्ट्रेशन न तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट में थी और न ही एक्साइज डिपार्टमेंट में। ये विभाग की सरासर लापरवाही सामने आ रही है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। आज जो है हमने बद्दी में जो दुखद घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की जान गई है, बहुत दुखद घटना है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रिव्यू मीटिंग रखी है, जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, BBNDT है, फायर है, लेबर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज है, सभी के जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग हमने आज विस्तृत रूप से यहाँ रखी है, क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमारी ये कोशिश है कि भी आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, उसको रोकने के लिए हमको सरकार को जो है क्या कदम उठाने हैं उस पर आज विस्तृत चर्चा से 2.5 घंटे के करीब भी हमने चर्चा की है। ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में वायलेशन भी हुआ था, फायर की वायलेशन भी थी, लेबर की वायलेशन भी थी, या बहुत सारी वायलेशन थी। आज हमने फैसला लिया है कि हम एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है 4-5 डिपार्टमेंटों की जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, जो हर फैक्ट्री को विजिट करके देखेगी जो उसमें फायर इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, या सेफ्टी के मेजर जो है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कोई और इमरजेंसी हो जाए, तो निकासी के लिए जो है उसके जो दरवाजे हैं एक के बजाय दो, एक अंदर से हो एक बाहर से हो, इस तरह से हमने छोटी छोटी प्रोविजन करने के लिए फैसला किया है। और हमने आज एक और फैसला किया क्योंकि BBNDT के जो इनके चेंबर ऑफ कॉमर्स और इनके जो लघु उद्योग के पर वो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी आज मीटिंग में थे। आज हमने उनको कहा है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा कि 10-12 पैमाना में जो, जैसे आप किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हो, आपने फायर सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या किया है, आपके पैसेजेस कितने हैं, आपके जो भंडारण जो है ऐसे चीज़ों का, जो आपका रॉ मटेरियल उसका भंडारण कहाँ कर रहे हो, इस तरह के हम एक सेल्फ रेगुलेशन फॉर्म बनाएंगे और विद इन 15 डेज उसको हम इशू करेंगे भी जल्द ही, क्योंकि CEO BBNDT को हमने कहा है, वो शी हैज़ बिन मेड चेयरमैन ऑफ इट, और वो एक फॉर्म उनको भेजेंगे और सभी उद्योगों जो है वो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से रिप्लाई करेंगे, तो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या त्रुटि रही है, क्या क्या कमी रही है। और हमारी कोशिश है कि जो फैक्ट्रीज़ में वो कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, वायलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, हमने आज यहाँ फैसला लिया है। और आज ये भी फैसला लिया है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है या लाइसेंसेस ख़त्म हो गए या वायलेशंस हैं, उन पर भी सरकार जो है अब सख्त कदम उठाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो लीगल एक्शन है, चाहे वो फैक्ट्रियों को बंद करने की बात है। हमारी जो मंशा है वो फैक्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री ठीक ढंग से कानून के दायरे में फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए, ठीक ढंग से फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए, हमारी ये मंशा रही है। आज फैक्ट्री जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी आज हमको सबको आश्वासन दिया है कि जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे हम उसको विधिवत रूप से उसको हम फॉलो करेंगे। सर, ये तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो नेग्लिजेंसी फाइंड हुई है उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या फिर अगर जाँच भी चल रही है तो किस लेवल? देखो, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना, बहुत बड़ी घटना हुई, इसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनकी कमी है, उनके खिलाफ FIR भी कर दी गई है, जो इनका जो प्लांट हेड है उसको अरेस्ट भी कर दिया गया, अलग अलग धाराओं के तहत जो है FIR भी लॉन्च हो चुकी है, और जो उनके ओनर हैं
उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो निश्चित रूप में जो गलती हुई है उसके फैक्ट्री वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। सर फैक्ट्री वाले तो है पर आपके डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं उनको क्यों नहीं सर जो जिम्मेवार बोला है अभी कि एनओसियां जो या इनको एनओसियां मिली थी अभी और 2023 में भी एक नोटिस हुआ था इस कंपनी को कुछ एनओसी। ऐसा है कि अभी हमने जहाँ जहाँ जिस पिक्चर में त्रुटि होगी कमी होगी किसी भी अधिकारी द्वारा की गई होगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमने टास्क फोर्स बनाई है, हमने टास्क फोर्स इसीलिए बनाई है कि अभी हमने ये भी कहा है कि जो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई उन फैक्ट्रियों को कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो जो जल्दी आग पकड़ते हैं उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको विजिट करेंगे। हमने मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को कहा है कि उसकी लिस्ट हमको आइडेंटिफाई करके तुरंत दें और हम सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, उनको विजिट करेंगे, उनको देखेंगे कि जहाँ पे ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत डेंजरस या ख़तरनाक टाइप से हैं। और अगर किसी भी स्तर पे किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई होगी निश्चित रूप पे उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आना चाह रहे थे मगर परसों पूरे दिन शिमला में मौसम ख़राब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे। कल भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुद था, हम दोनों ने आना था मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे हिदायत दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि कमी गलती या होगी उसको जो है वो बख्शा नहीं जाए। सर 462 कंपनियां हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और ये 2021 की सर लिस्ट है। नहीं देखो अब आप मुझे जानकारी दे रहे हो, मैंने अंदर भी ये बात कही है कि जहाँ जहाँ एनओसीज नहीं है यहाँ कमियाँ हैं त्रुटियाँ हैं उसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उस पर सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ।